हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में नीति आयोग ने स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 के नाम से एक रिपोर्ट बनाई है। सुझाव दिया है कि 2022-23 तक हम लोगों को कौन कौन से टारगेट अचीव करने हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसानों के इनकम बढ़ाने से संबंधित हो, या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कि कितनी GDP को हमें बढ़ाकर ले जाना है। इन सबसे संबंधित एक सुझाव दिया है नीति आयोग ने। तो उसमें गवर्नेंस वाले चैप्टर में, चार चैप्टर्स में ये डिवाइड है पूरा का पूरा रिपोर्ट। तो उसमें गवर्नेंस वाले चैप्टर में नीति आयोग ने ये सुझाव दिया है कि UPSC में एज लिमिट 32 से 27 साल की जानी चाहिए। UPSC में, वो भी सामान्य कैंडिडेट की, जिनकी 32 साल एज लिमिट अभी हाल में है, वो 2022-23 तक 27 साल कर देनी चाहिए। ये नीति आयोग का सुझाव है। अब स्टेट PCS पर क्या इसका असर पड़ेगा, अभी रिपोर्ट के मैं कुछ अंश आपको दिखा देता हूँ कि क्या असर पड़ेगा स्टेट PCS पर इसका। देखिए, आयोग का ये भी कहना है कि सिविल सर्विस की परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले जितने भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार होते हैं, उनकी वर्तमान अधिकतम आयु को 32 से घटाकर 27 वर्ष कर दी जानी चाहिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है। उसके बाद इसको 2022-23 तक लागू करना है, ठीक है। उसके बाद सभी तरह की सिविल सर्विस जितने नाम से आती है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा ली जानी चाहिए। बाद में योग्यता के आधार पर या रैंक के हिसाब से वो उनको अलग अलग सिविल सर्विस में भेजा जाएगा। ये भी सुझाव दिया है नीति आयोग ने। सबसे बड़ा है कि इसमें उम्र की सीमा को कम करना। अच्छा, इसमें ये वो होता है कि क्या स्टेट PCS पे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आपने अभी हाल ही में देखा कि UPSC ने भी अपना जो ट्रेंड है बिल्कुल बदल दिया है, मेंस कर दिया है। और शायद आप लोगों को ज्ञात भी नहीं होगा कि मेंस का जो सिलेबस है बिल्कुल 2 copy UPSC का ही सिलेबस है। इवन UPSC के तर्ज पर ही एग्ज़ाम होगा। आपने, जैसे आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश या बिहार में एक अलग तरह से सिलेबस है मेंस के लिए, लेकिन ऐसा UPSC ने नहीं किया है। बिल्कुल जो हमशक्ल है बिल्कुल UPSC का ये सिलेबस। अब उसके बाद स्टेट PCS के लिए भी कुछ सुझाव दिए हैं। तो वो क्या है, स्टेट PCS के लिए जितने भी 60 से अधिक तरह की सिविल सर्विसेज हैं हमारे में, UPSC और स्टेट PCS सभी को मिला दिया जाए, तो उनमें बस ये सुझाव दिया है कि एक ही परीक्षा होनी चाहिए। साथ में ये भी सुझाव दिया है कि सभी राज्यों को भी केंद्र के आधार पर ही प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे राज्य इसको फॉलो करते हैं एज क्राइटेरिया को छोड़ के बाकी सभी भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी 2022-23 तक हो सकता है कि संज्ञान में ले लिया जाए कि उम्र की सीमा को घटाया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात तो नहीं रहेगी हम लोगों के लिए जो भी तैयारी करते हैं। साथ ही साथ UPSC में लेटरल एंट्री को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ लें। एग्ज़ाम में इससे पूछा जा सकता है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर मेंस देना है आपको, अगर UPSC या PCS का कोई सा भी मेंस देना है, तो इससे संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।